सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश सेंटेंस का पैटर्न की हुंदा एस बी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दा रूल दा सेदा रूल की है इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर फिर तुसी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ऐसे एस लगाना है इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल फिर कल्ली वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आनी है ऐसे एस नहीं आना बस आई दिस ऐसी राइट ते आज असी करांगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस केड़ा करना सी आज देखो
रहा है कॉन्टिन्यूस. ओके दोनों से डिफरेंस पता चल गया, एक इंडेफिनेट है एक ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. पहले इंडेफिनेट सेंटेंस बना के दिखाओ मेनू, कल मैं थोड़ा करवाया ना. एसवीओ पैटर्न लगाओ बच्चे ने इंग्लिश बॉय चाइल्ड. देयर इज वन चाइल्ड ना, चाइल्ड खेत खेलता है प्ले 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 आने तो प्लेस आने प्लेस यस प्लेस क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है ना. दूसरे पास से कंटीन्यूअस किता बनेगा चाइल्ड इज एम आर लगना पहले कंटीन्यूअस में पहले हेल्पिंग वर्ब लगने की इज एम आर. चाइल्ड कितने हैं इज खेल प्ले वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ना आई एम जी प्लेइंग बस चाइल्ड इज प्लेइंग. ठीक है जी. एक चीज में तो हमारे हो तो सुनिए बच्चे कि सब्जेक्ट जे कंटीन्यूअस दे विच सिंगुलर होवे. ठीक है जे कौन एम रख कर दिया जे कॉन्टिन्यूस दे विच सब्जेक्ट थोड़ा की होवे सिंगुलर. इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर जे सब्जेक्ट सिंगुलर है एड नाल थोड़ी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज केड़ी लगेगी इज ही इज शी इज बॉय इज चाइल्ड इज. ठीक है जे थोड़ा सब्जेक्ट प्लूरल है फिर थोड़ी हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर की लगेगी आर दे आर बॉयज आर पीपल आर वी आर. ठीक है समझ आया. दूसरी बात ते आई के नाल बच्चे की लगेगा आई के नाल हमेशा आई एम. समझ आ गई कि नहीं समझ आया. कंटीन्यूअस दे विच जे थोड़ा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो की आएगा इज. जे थोड़ा सब्जेक्ट प्लूरल है आएगा आई इज शी इज बॉय इज चाइल्ड इज सिंगुलर. ओके प्लूरल ज्यादा जने दे आर बॉयज आर पीपल आर वी आर. समझ आया कि नहीं आया. रात कर रही हैं हूं मैं थानू नेक्स्ट करवानी हां अपन सेंटेंस फ्रेम करांगे. ठीक है बच्चे कंटिन्यू का मतलब पता चल गया कि एना सेंटेंस इज विच की हुंदा एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोल टाइम पे थोड़ा एक्शन हो रहा है. ओके मैं बोल रही हां मैं मदर की सिंगुलर ना प्लूरल है सिंगुलर मदर ने
हमने से भी चेंज कराएंगे. ओके दिस इज इट नाउ ते बाकी से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.